हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड में विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते आम जनता खतरे के साए में। सोजत रोड क्षेत्र के फुलाद रोड पर आबादी क्षेत्र में पूर्व प्रधान देवाराम के कुएं पर जाने वाले मार्ग पर सार्वजनिक नाली के मध्य विद्युत पोल स्थित है, जो झुका होने से खतरे को निमंत्रण दे रहा है। गंदी नाली के मध्य स्थित विद्युत पोल होने से नाली अवरुद्ध हो गई है, साथ ही विद्युत पोल में करंट प्रभाव का खतरा मंडरा रहा है। आम जन भयभीत व खौफ के माहौल में है। विद्युत पोल से कभी भी जन हानि हो सकती है। इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार व्यास ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी गई, मगर अभी तक नाली के बीचों बीच खड़ा इस विद्युत पोल की सूद लेने कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसको लेकर पूर्व वार्ड पंच प्रदीप राज सिंह, मोहल्ले वासी लक्ष्मीकांत भाटी, दीपक शर्मा, अमर चंद सिरवी, वार्ड पंच हीरालाल मारू आदि ने रोष प्रकट किया है। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।